हेलो मैनेजमेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगाला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 है और कॉमर्स फैकल्टी लेक्चर्स नंबर 4 है और आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को अर्थशास्त्र की जो शाखाएं है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम लोग टॉपिक्स पर चलते हैं। तो देखिएगा अर्थशास्त्र की शाखा है, ठीक है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र की शाखा कौन कौन सी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके प्रकार क्या है, ठीक है। उसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका मीनिंग्स क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसका इंपोर्टेंस क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, तो देखिएगा अर्थशास्त्र की शाखा है, अर्थशास्त्र की शाखा है। तो देखो अर्थशास्त्र की जो शाखा है कितनी है, दो है। एक तो है आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है आपके समष्टि अर्थशास्त्र। तो अब यहां पर देखो कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का जो प्रयोग है वो किस अर्थशास्त्री ने किया है, तो सर वो प्रोफेसर रेटर फ्रिस ने सन 1933 के अंदर किया था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया था। बिल्कुल सर, अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं, तो सर एक तो है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण, क्लियर है। बिल्कुल सर, समष्टि के अंदर देखो क्षेत्र राष्ट्रीय आय है, रोजगार है, सामान्य कीमत स्तर है, आर्थिक विकास है, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत है, ठीक है, ये किसके क्षेत्र है, समष्टि के। अब देखो व्यष्टि के अंदर आप लोगों के कौन से सेल्स में, तो सर एक तो आपके उपभोग है, एक आपके उत्पादन है और एक आपके विनिमय है, ये तीन टॉपिक्स है जो आपके सेल्स के अंदर है, ठीक है। वितरण आपके सेल्स में नहीं है और आर्थिक कल्याण भी आपके सेल्स में नहीं, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर एक तो आपको देखना है राष्ट्रीय आय व रोजगार जो आप जो कि आपके सर्विस में, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत आपके सर्विस में नहीं है, आर्थिक विकास भी नहीं है और सामान्य कीमत स्तर तो नॉर्मल आपकी थोड़ा बहुत है, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं। बिल्कुल सर, तो अब आपको देखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसको अच्छे से एग्जांपल से मैं बताऊंगा, ठीक है, और इसके क्षेत्र प्रकार और महत्व देखते हैं, ठीक है। तो एक बार आप पहले इसका इसकी शब्द दो, चलेगा। अब आपको देखना है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको आप कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई देखना, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से हुई है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, तो सर ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से बनकर क्या हुआ है, माइक्रो, और ये कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का अर्थ है और इसका मीनिंग्स क्या होता है, सूक्ष्म इकाइयां, समझ में आया, इसका अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म इकाइयां। बिल्कुल सर, अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो समझना व्यष्टि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र वह विषय जिसमें एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक परिवार,
का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसके अंदर सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जिसमें एक उपभोक्ता हो सकता है, एक उत्पादक हो सकता है, या एक परिवार हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, एक उद्योग हो सकता है। ठीक है, देखना इसको अच्छे से एग्जाम्पल की, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट सपोज मान लीजिएगा ये कोई जंगल है, ये क्या है सर, एक जंगल। इस जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, क्योंकि जंगल में कभी एक पेड़ तो है होता नहीं, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। समझ में है? बिल्कुल सर। अब देखो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अब मैं ये कहता हूं कि इस जंगल के अंदर एक पीपल का पेड़ है, ठीक है ना? अगर आप जंगल के अंदर किसी एक पेड़ का अध्ययन कर रहे हैं तो वो कौन से अर्थशास्त्र हुई है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। समझ में आया? यहां पे मैं लिख देता हूं, जंगल में बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत पेड़ पौधे हैं। यदि इसमें से किसी इसमें से किसी एक ही पेड़ का अध्ययन किया जाए, एक ही पेड़ का अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाए, किया जाए, तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र है, तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, समझ में है? बिल्कुल सर। अब मैं कह रहा हूं कि इस जंगल में एक पीपल का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, देखना जंगल में तो बहुत पेड़ पौधे हैं, लेकिन इसमें से आपने ये कहा कि सर इस जंगल में पीपल का पेड़ है, आपने केवल एक ही इकाई का अध्ययन किया है, विशेष इकाई का, तो वो कौन से अर्थशास्त्र हुई है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। समझ में आया है? उसी प्रकार मान लीजिए कि आपके पिंगाड़ा में बहुत सारी दुकान है किराना, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पिंगाड़ा के अंदर एक नारायण भाई की दुकान है, तो वो कौन सी दुकान है, तो वो कौन सी अर्थशास्त्र हुई आपके? तो सर वो आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र। समझ में आया? तो ध्यान रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप कीमत अर्थशास्त्र भी कहते हैं, या कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, इसको मैं व्यवस्थित लिख लेता हूं, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं, या कीमत अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को
व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है, सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है सर, अब देखो इसका जो क्षेत्र है, इसका जो स्कोप है, अब वो क्या है। तो देखो पहला मैं कह रहा हूं उपभोग है। उपभोग के अंदर उपयोगिता है और मांग का ज्ञान होता है। ठीक है, मांग का अध्ययन करेंगे अपन कि उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, उसका विश्लेषण क्या होता है, मांग क्या होती है, मांग का नियम क्या है, मांग वक्र क्या होता है, मांग की लोच क्या होती है। ठीक है, मांग लोच की श्रेणियां क्या है, मांग लोच को मापने की विधियां कौन सी है, मांग कितने प्रकार की होती है, ये सारा आप इसमें देखते हैं उपभोग के अंदर। फिर उत्पादन के अंदर, उत्पादन के उत्पादन में आप देखोगे उत्पाद और लागत के बारे में। उत्पाद क्या है, उत्पादन क्या होता है, उसके साधन कौन से है, अल्पकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में क्या होगी, लागत क्या होती है, लागत कितने प्रकार की होती है, अल्पकाल लागतें क्या होगी, दीर्घकाल लागतें क्या होती है, सम लागत क्या होते हैं, समोत्पाद वक्र क्या होते हैं, ये सब आप इसमें देखने वाले उत्पादन के। फिर क्या करो विनिमय, विनिमय के अंदर आप देखने वाले बाजार के बारे में। ठीक है, कि बाजार क्या होता है, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये सब आप इसमें देखोगे विनिमय के अंदर। समझ में आया, बिल्कुल सर। फिर महत्व है, तो देखो इसी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मैंने क्या बनाया, महत्व बनाया। तो देखो क्या कह रहा हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपयोगिता व मांग का ज्ञान होता है। ठीक है, दूसरी चीज कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन व लागत का ज्ञान होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार की संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार की संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान होता है। ठीक है सर। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण में भी उपयोग होता है। ठीक है, जब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता चलता है कि कीमतों का निर्धारण कैसे करना है, वस्तु की प्राइस कहां पे रखनी है, कहां पे नहीं रखनी है, ये सब आपको कहां पता लगता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर कह रहा हूं कि कर निर्धारण, कर नियोजन में भी क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, टैक्स की कोई भी प्लानिंग करनी है तो वो किसमें होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सहायक होती है, हेल्पफुल। फिर कह रहा हूं कि अगर कोई लाभ की नीति है या नियोजन है या कोई नियंत्रण है तो उसकी भूमिका में भी क्या होती है, सहायक होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये क्या इसके महत्व है, जो 5 से 6 महत्व आपको मैंने बता दिए। अब इसकी 2 लिमिटेशन है, 2 सीमा है, 2 दोष है, वो भी आप देख लेना। ठीक है, सीमा कहो दोष कहो एक ही चीज है। ठीक है सर, तो देखो पहला दोष इसमें कहा है कि कई आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि विश्लेषण में संभव नहीं होता। कई ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन व्यष्टि अर्थशास्त्र में संभव नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और दूसरा कह रहा कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं हो पाना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान इसमें नहीं होता। क्लियर, बिल्कुल सर। अब देखना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वो भी देख लेना, साथ में आपको बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि आज के इस लेक्चर स्टूडियो के अंदर मैं आप लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र का उत्पत्ति, परिभाषा, महत्व, सीमा, दोष और प्रकार, और उसके बाद में समष्टि के भी, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और एक बार देखना है कि व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है। थोड़ा लेक्चर वीडियो लंबा होगा लेकिन आज व्यष्टि और समष्टि को लगभग हम पूरा कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि अगली क्लास के अंदर मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाना है, इसलिए तो एक बार आप इसको नोट कर दो, इसकी शॉर्ट दे दो, इसकी शॉर्ट दे दो अच्छे से पूरा चलेगा। अब आपको देखना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। ठीक है, तो देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र कितने प्रकार की है, 3, स्थैतिक,
तुलनात्मक और प्रावेगिक। समष्टि भी तीन प्रकार की है, ठीक है, स्थैतिक, तुलनात्मक और प्रावेगिक। देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रकार है उसमें पहला मैं कह रहा हूं स्थैतिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्थैतिक। और स्थैतिक का मतलब क्या होता है कि जब समय के किसी एक ही बिंदु पर किसी एक ही संतुलन बिंदु का जब आप अध्ययन करते हैं तो वो आपके कौन सा संतुलन या कौन सा विश्लेषण कहलाता है स्थैतिक। मतलब समय का एक ही बिंदु होगा और जहां पे समय का एक ही बिंदु होगा और वहां पे अगर मांग वक्र और पूर्ति वक्र अगर दोनों आपस में जहां पर भी कट हो गए, जहां पर भी आपस में कट करके जाएगी तो वहां पर आपको जो बिंदु प्राप्त होता है ये ई बिंदु, ये क्या है संतुलन का बिंदु है। समझ में आया क्या? जहां पे मांग और पूर्ति दोनों आपस में कटे हैं वहां पर जो एक ही बिंदु अगर प्राप्त हो रहा है तो वो आपके कहलाएगा स्थैतिक संतुलन। समझ में आया? क्योंकि आप इस समय का एक ही बिंदु है। ओके सर। फिर देखो तुलनात्मक अध्ययन मतलब कंपेरेटिव, ठीक है। तो देखो जब किसी समय पर उपलब्ध अलग अलग संतुलित बिंदु के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जब समय का एक ही बिंदु है और एक ही समय के एक ही बिंदु पर जब आपके पास में दो बिंदु है और इन दो बिंदुओं के मध्य जब आप तुलना करोगे तो वो आपके कौन सा अध्ययन कहलाता है तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। अर्थात दो संतुलित बिंदु होते हैं और उन दो संतुलन बिंदु के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ वस्तु की प्राइस जस्ट सपोज 10 रुपए है और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 8 रुपए, ठीक है। जब वस्तु की प्राइस 8 रुपए थी तब आपका संतुलन बिंदु कहाँ पे था ई बिंदु पर था और जैसे ही वस्तु की प्राइस 8 रुपए से बढ़कर कितने होती है 10 रुपए तो आपका मांग वक्र है वो डीडी से खिसक कर किस पर आ चुका है डी1 पर। समझना जैसे मैंने वस्तु की प्राइस बढ़ाई है तो यहाँ पर मेरी क्वांटिटी भी बढ़ चुकी है और मांग वक्र कैसा हो चुका है आगे की ओर खिसक चुका है यानी कि डीडी से डी1 की ओर आ चुका है। और जब मांग वक्र आगे की ओर खिसका है तो मुझे संतुलन बिंदु भी नया मिला है। देखो जब वस्तु की प्राइस 8 रुपए थी तो मेरा संतुलन बिंदु ई पर था और जैसे वस्तु की प्राइस 10 रुपए हुई तो मुझे संतुलन बिंदु कहां पे मिला है ई1 पर। समझ में आया क्या है? बिल्कुल सर। यानी कि जब दो संतुलन बिंदुओं के मध्य जब आप तुलना करोगे यानी कि ई और ई1 इन दोनों के बीच में जब आप कंपैरिजन करोगे तो वो ही आपकी कौन सा है तुलनात्मक है, ठीक है सर। फिर देखो प्रावेगिक या गद्यात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं डायनामिक। तो क्या होता है देखो जब आप पुराने संतुलन बिंदु से नए संतुलन बिंदु की ओर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आप क्या कहते हैं गद्यात्मक या प्रावेगिक विश्लेषण, ठीक है। क्या कह रहा हूं वापस देखना। जब आप पुराने संतुलन बिंदु से नए संतुलन बिंदु की ओर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आप क्या कहते हैं प्रावेगिक विश्लेषण। इतना याद रखना, ठीक है। इसके अंदर भी व्यालंकित डायग्राम बनते हैं लेकिन अभी आपके इतना सर्विस पे नहीं है डायग्राम वगैरह इतना, ठीक है। तभी तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि पुराने संतुलन बिंदु से नए संतुलन बिंदु की ओर जाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है आपके प्रावेगिक अध्ययन। मतलब ये जो पुराना संतुलन बिंदु है इस पुराने संतुलन बिंदु से नए संतुलन बिंदु की ओर कैसे जाना है उसकी प्रोसेस ये, ठीक है। हालांकि इसमें डिमांड वक्र एक ही होता है, ठीक है, मांग वक्र एक ही होता है, पूर्ति वक्र भी एक ही होता है, ठीक है। बट इसकी जो प्रक्रिया होगी वो अलग अलग होती है, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ अलग होता है तो वो इतना आपके सर्विस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट आगे आपके आता है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर दो, आपको समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको बता देता हूँ, इसकी सोचिए चलेगा समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो समष्टि अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से हुई है। समष्टि की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से हुई है और इसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसका अर्थ होता है योग या
समूह कह सकते हैं, ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, योग या समूह से, ठीक है सर। अब देखो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये तो आपको मैंने बता दी, अब इसकी परिभाषा क्या है कि सर समष्टि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक देश के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, नेशनल इनकम है, मनी एंड बैंकिंग है, आर्थिक विकास है, आय और रोजगार का जो निर्धारण हो रहा है, व्यापार चक्र का जो सिद्धांत हो रहा है, इन सब का अध्ययन करते हैं, तो वो कौन से अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। देखो जस्ट सपोज इसका भी एग्जाम्पल समझना, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक। ये क्या है, एक जंगल है, ठीक है। इस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, क्या है सर, बहुत सारे पेड़ पौधे, ठीक है। अब देखना है, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यदि आप सभी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो समष्टि है, ठीक है। यदि सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए तो वो कौन से अर्थशास्त्र है, आपके समष्टि अर्थशास्त्र। एग्जाम्पल, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यदि सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए, ठीक है, तो वो कौन से अर्थशास्त्र कहलाएंगे, आपके समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और ध्यान रखना, समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूं, समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, ओके सर। अब देखिएगा इसका जो क्षेत्र है, इसका जो स्कोप है वो क्या है, तो एक तो है राष्ट्र है, जिससे आप देखोगे इसके अवधारणा क्या है, उसके मापन की विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में, ठीक है। फिर आप देखोगे मुद्रा बैंकिंग के बारे में, आय और रोजगार के बारे में, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है उसके बारे में, ठीक है। फिर कह रहा हूँ आर्थिक विकास के बारे में, व्यापार चक्र का सिद्धांत, ये जो आर्थिक विकास है, व्यापार चक्र का जो सिद्धांत है, या हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, या आप ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ोगे, जब भी आप बीए या बीकॉम करोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर देखो इसके महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्र आय का ज्ञान होता है, ठीक है। जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको नेशनल इनकम का नॉलेज प्राप्त होगा, ठीक है, राष्ट्र आय की ज्ञान जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। फिर कह रहा हूँ मुद्रा और बैंकिंग का ज्ञान होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। आय और रोजगार का निर्धारण भी होता है समष्टि अर्थशास्त्र, अगर आप पढ़ते हैं तो इससे कोई भी आर्थिक नीति का निर्धारित करनी है तो उसमें भी यूज होता है। फिर
फिर कह रहा हूं कि व्यापार चक्रों के विश्लेषण में भी उपयोगी होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। उसी प्रकार आपको अगर करना है तो कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में भी सहायक होती है। ठीक है सर। अब देखो इसके दोष क्या है, तो सर समष्टि आर्थिक विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है, जटिल है। समष्टि अर्थशास्त्र को अगर समझना है तो इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरी कि सर समूह के मापन में कठिनाई आती है, अगर इसमें कोई भी अध्ययन करना है तो वहां पर आपके पास में कठिनाई आती है, कोई भी टोटल करनी है, योग करना है, तो वहां पर क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आपको मैं बता देता हूँ कि सर समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार कौन से है। ठीक है, बिल्कुल सर। क्योंकि ध्यान रखना है वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन टॉपिक समारोह को क्या करना है, पूरा करना है, इसीलिए क्या। ठीक है, तो एक बार उसको नोट कर दो अच्छे से। चलिएगा, अब देखना है आपको समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। ठीक है, तो इसमें भी पहला आपके है स्थैतिक। तो देखो स्थैतिक में क्या होगा, समय का एक ही बिंदु होगा, और जब एक ही समय के बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का जब विश्लेषण करते हैं तो वही आपकी क्या है, स्थैतिक। मतलब जब समय के एक ही बिंदु पर अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो आपके कौन सा है, स्थैतिक है। मतलब यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ वाई इज इक्वल सी प्लस आई। y का मतलब है आय से, ठीक है, c का मतलब उपभोग व्यय से, और i का मतलब निवेश व्यय से। ठीक है, ये आप समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ोगे, आय और रोजगार वाला चैप्टर आएगा उसमें। देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो y है वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से होती है, जीरो से। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास में आय अगर जीरो होगी, आय का स्तर जीरो होगा, तब भी वो कुछ ना कुछ उपभोग तो करता ही है, इसीलिए मैंने उपभोग को यहाँ से यहाँ पे मतलब यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब ये जो उपभोग है ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, जीरो से स्टार्ट होती है वो वाई स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो वक्र है ये केवल उपभोग है, और ये क्या है आपके, उपभोग और निवेश दोनों ही है। तो देखो आपकी समीकरण क्या है, वाई बराबर सी प्लस आई। ठीक है, तो जहाँ पर वाई और सी और आई दोनों आपस में जहाँ पे कट रहे हैं, क्या कह रहा हूँ, एक तो y और एक ये जो c प्लस i किया है, जब आप उपभोग व्यय और निवेश व्यय इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे आपकी क्या प्राप्त होती है, i। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि y c और i जहाँ पर ये तीनों आपस में कट हो गए वहां पर आपकी क्या है, संतुलन बिंदु है जो प्राप्त होता है। समझ में, बिल्कुल सर। यानी कि जहां पर कुल मांग वक्र और कुल पूर्ति फलन, कुल मांग फलन व कुल पूर्ति फलन, कुल पूर्ति फलन, ठीक है, कुल पूर्ति फलन, अगर ये दोनों आप कुल पूर्ति फलन एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर क्या होता है, संतुलन बिंदु है जो प्राप्त होता है। ठीक है, वही क्या है, संतुलन की स्थिति बनती है। क्लियर, ठीक है। समय का एक ही बिंदु, अब तुलनात्मक में दो बिंदु हो गए, यहाँ पर संतुलन बिंदु कितने हो गए, दो हो गए। देखो यहाँ पर तो मैंने केवल एक ही बिंदु बनाया है, और अगर दो बिंदु होते और दो बिंदु के बीच में अगर आप तुलना करते तो वह आपका होता तुलनात्मक। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर है आपका E बिंदु और यहाँ पर है आपका E1 बिंदु, जब आप इन दोनों बिंदुओं के मध्य जब आप तुलना करोगे, कंपेयर करोगे कि भाई कितना चेंज हुआ है, तो वो आपके कौन सा अध्ययन कहलाएगा, तुलनात्मक अध्ययन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं, मतलब राष्ट्रीय आय को भाई राष्ट्रीय आय में अगर आपने वृद्धि की है तो इससे कुल उपभोग व्यय और विनियोग में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, पहले कितना था, यानी कि जब वाई का स्तर वाई था, ठीक है, जब इनकम कितनी थी, वाई थी, तब आपका संतुलन बिंदु का था ए पर था, और जब वाई का स्तर आपने कितना किया, वाई का स्तर कितना किया, वाई वन हुआ है, तब आपका संतुलन बिंदु आपको कितना हुआ, ए वन हुआ है। समझ में आया कि नहीं, तो जब आप इन दोनों के बीच में तुलना करोगे तो वही आपकी क्या है, तुलनात्मक है। समझ में आया कि नहीं, यानी कि दो संतुलन बिंदुओं के बीच में तुलना करनी है।
ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो मतलब यहाँ पर देखो उपभोग व्यय और निवेश व्यय, और डेल्टा आई का मतलब निवेश में कितना परिवर्तन हुआ वो भी आपको ऐड करना है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर देखो प्रावेगी, प्रावेगी के अंदर भी वही कह रहा हूँ, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया और परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ है और यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ है, आप इस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चेंज हुआ है और यहाँ से यहाँ तक कितना समय हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से एक तो कह रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ हुआ और यहाँ से यहाँ तक हो गया तो कितना चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि ई बिंदु से ई1 की ओर जाने की जो प्रक्रिया है, ई बिंदु से ई1 की ओर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रावेगिक अध्ययन या गद्यात्मक अध्ययन कह सकते हैं। समझ में आया, बिल्कुल सर। अब आपको देखना है कि सर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, उस अंतर को भी देख लेते हैं और उसके बाद में आज का लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर, इसकी सौंपी लो, चलिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है उसको भी देख लेना। ठीक है, देखो पहला अंतर कह रहा हूं अध्ययन की इकाई, तो देखो इसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है जबकि इसमें एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर देखना दूसरा अंतर है संतुलन के आधार पर, कि सर इसमें आंशिक संतुलन होता है जबकि इसमें सामान्य संतुलन होता है। आंशिक संतुलन का मतलब है कि जिसमें केवल एक ही कारक होता है, ठीक है, और जब एक ही कारक के साथ में अगर आप अध्ययन करें तो आंशिक संतुलन है, और अगर सभी कारकों को सम्मिलित करके अध्ययन कर रहे हैं तो सामान्य संतुलन। मतलब इसमें सभी घटक परिवर्तनशील होते हैं जबकि इसमें एक घटक परिवर्तनशील है, बाकी अन्य घटक स्थिर है। ठीक है, फिर है विरोधाभास, तो सर इसमें जो बचत होता है वो लाभकारी होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो बचत होता है वो कैसा होता है, लाभकारी होता है, जबकि इसमें अलाभकारी होता है। फिर उपकरण भी देख लो विश्लेषण के, तो सर इसमें कीमत के उपकरण होते हैं जबकि इसमें राष्ट्रीय आय के स्तर का उपकरण। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर देखो ज्ञान, तो सर व्यष्टि को समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। समझ में आया, समष्टि को समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। फिर नीति निर्धारण, अगर कोई भी पॉलिसी अगर डिटरमाइन करनी है, कोई भी बनानी है, निर्धारण करनी है, तो कैसे होगा, तो ध्यान रखना इसमें नीतियों का निर्धारण नहीं होता, व्यष्टि में किसी भी प्रकार की कोई भी नीतियों का निर्धारण नहीं होता जबकि समष्टि के अंदर नीतियों का निर्धारण नीतियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर देखो प्रक्रिया, तो सर इसकी प्रक्रिया कैसी है, सरल है जबकि इसकी प्रक्रिया जटिल है। फिर आप कहोगे सिद्धांत, तो सर इसको कीमत का सिद्धांत कहते हैं जबकि इसको सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। समझ में, इसको कीमत का सिद्धांत कहते हैं जबकि इसको आय व रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना आज का लेक्चर क्या होता है सर, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में, ठीक है, वह उसके कुछ प्रकार है उसका। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट। ओके, बाय। और इसके ऊपर नोट करो अच्छे से।